बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेसन नंबर है हमारे पास है 10 और 9th की इंग्लिश है। ड्रग एडिक्शन है, मनशियात की लत है। तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो ना वो लेसन है, और आजकल की न्यू जनरेशन इसका काफ़ी ज़्यादा शिकार हो रही है, और हमने आज इसको पढ़ना भी है और समझना भी है, और इसके बाद इसके शिकार से भी हमने बचना है। तो देखते हैं जी, जैसा कि हम पहले लेसन पढ़ चुके हैं कि हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं, वर्ड्स है, मीनिंग है, और ईच एंड एवरीथिंग जिसकी हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें हम करते हैं, और आज हम दोबारा वैसे ही करेंगे। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है, ड्रग एडिक्शन मनशियात की लत या मनशियात की आदि हो जाना या उसकी लत पढ़ देना। ऊपर हमने इसकी ट्रांसलेशन ड्रग एडिक्शन की लिखी भी है कि मनशियात की लत या मनशियात की आदत या मनशियात के आदि। ड्रग एडिक्शन मनशियात की लत इज है अ कॉमन प्रॉब्लम, आम मसला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का, ऑल तमाम, पूरी सारी वर्ल्ड दुनिया का। टुडे आज मनशियात की जो आदत है, मनशियात की जो लत है, वो पूरी दुनिया का मसला है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये 7 जो बड़े आज़म है, 7 जो कॉन्टिनेंट है, उन सब का ये प्रॉब्लम है। और हम कह सकते हैं कि ये चाहे इलिटरेट तबका है, चाहे लिटरेट तबका है, ये दोनों के अंदर पाई जाती है। देर आर मैनी फॉर्म्स, बहुत सी अशकाल है ऑफ ड्रग एडिक्शन, मनशियात की लत की बहुत सी अकसाम है, बहुत सारी शक्लें हैं इसकी। बट लेकिन द मोस्ट डेंजरस, ज़्यादा खतरनाक ऑफ ऑल तमाम इज है द एब्सोल्यूट, पूरी तरह मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंस इंसार है ऑन इट, इस पर। और अगर मुकम्मल तौर पर इस पर इंसार करेंगे तो फिर इंतहाई खतरनाक चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये बड़ी लास्ट स्टेज पे लोग जहाँ पहुँच जाते हैं तो उस वक्त वो मुकम्मल इसी पर इंसार करते हैं, यानी कि उनका खाना उनका पीना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी उनके लिए ये मनशियात लेना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसको ना लिया तो मर जाएंगे। खाने के बगैर वो रह सकते हैं, लेकिन इसके बगैर वो नहीं रहते हैं। इस वजह से जब वो मुकम्मल तौर पर इस पर इंसार करते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाती है, इसलिए वो घर की तमाम चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं, देश के पतीले जो ना वो बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर इसी पर इंसार करते हैं। जहाँ से जो दा लगा पकड़ लिया जनाब। लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे के लिए यूज़ इस्तेमाल ऑफ ड्रग्स मनशियात का लंबे अरसे तक इस्तेमाल है, काजिद वजूहात बनता है परमानेंट मुस्तकल मेंटल जहनी एंड फिजिकल और जिस्मानी सिकनेस बीमारी का। लंबे अरसे तक अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर ये जहन और हमारा जो जिस्म है ये डैमेज हो जाता है, ये बीमार हो जाता है। अभी रिसेंटली एक ड्रामा भी मैं देख रहा था, तो उसके अंदर वो एक फीमेल मेल को ना नींद के इंजेक्शन दिए जाते थे, तो वो एक या डेढ़ माह उसमें वो चीज़ को शो करते हैं, और एक डेढ़ माह मुसलसल इंजेक्शन देने के बाद वो अपना जो मेंटल लेवल है वो बिल्कुल खो देती, वो चीज़ों को पहचान ही नहीं पाती कि मेरी शादी किससे हुई थी, मेरे वालदैन कौन से। तो ये इसका इतना जो ये शदीद असर होता है अगर इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जाए। लॉन्ग टर्म का इसे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो मसलसल इस्तेमाल करते रहते फिर उनके लिए ज़्यादा मसायल बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जिस्मानी और ये जहन को मुकम्मल तौर पर पारा करना शुरू कर देती है। सम काइंड्स, कुछ अकसाम और ड्रग मनशियात की डेट का जो सबब बनती है वजह बनती है डिस्टर्बेंस परेशानी की ऑफ माइंड जहन के एंड बॉडी और जिस्म के, और वो चीज़ों के अब नाम है कि वो जिस्म के और जहन की परेशानी के लिए बीमारी के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो वजह बनती है। हिरवन मैरिजुआना
ये भी एक नशावर चीज की एक किस्म है, मैरिजुआना, उसको नाम मैरिजुआना ही बोला जाता है। तंबाकू, ये तंबाकू, ये भी नशावर चीज है। विलियम, ये मेडिसिन के अंदर जो टैबलेट्स वगैरह होती है उनको विलियम कहा जाता है, जिस तरह अभी इंजेक्शन की मैं बात कर रहा था, इसी तरह वो मेडिसिन में टैबलेट्स के अंदर नींद शामिल होती है, तो वो विलियम, ये भी उसी की किस्म है। कोकेन, कोकेन एंड अल्कोहल, और ये जो अल्कोहल जो शराब है, तो ये चार से पांच जो चीज़ें बताई हैं ये वो चीज़ें हैं जिससे हमारा जहन और जिस्म जो है ये बीमार हो जाता है, ये डिस्टर्ब, ये परेशान हो जाता है, इसे पता नहीं चलता कि अब करना क्या है और हो क्या रहा। तो ये पहला हमारा फर्स्ट था, इसके अंदर एक क्वेश्चन भी है और वो क्वेश्चन आर क्या द ड्रग एडिक्ट्स मनुष्यात के आदि अवेयर, बाखबर होते हैं, उन्हें पता होता है और कि डेंजरस खतरात का ऑफ ड्रग्स मनुष्यात के, मनुष्यात के खतरात का क्या उन्हें पता होता है जी? तो उस पैराग्राफ में एक क्वेश्चन भी है जो हम साथ ही करेंगे, आर द ड्रग एडिक्ट्स क्या मनुष्यात के आदि अवेयर, वो बाखबर है, जानते हैं ऑफ द डेंजरस खतरात को, ऑफ द ड्रग्स मनुष्यात के खतरात को जानते हैं? क्या आपको खतरात का नहीं पता है? आज अगर बताया जा रहा है तो इसका मतलब उस खतरात का वो आपसे कई गुना ज्यादा एज में जाकर वो इस चीज के आदि होते हैं, तो उन्हें उस चीज के बारे में पता होता है कि इसका नुकसान क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं क्या वो बाखबर होते हैं? यस, हाँ वो जानते हैं। ड्रग एडिक्ट्स मनुष्यात की जो लत है या आदि, आर अवेयर, ये बाखबर है, ये जानते हैं ऑफ द मेंटल, जहनी एंड फिजिकल और जिस्मानी एंग्विश, जो अजियत है कास्ड वजह से बाय ड्रग्स मनुष्यात की वजह से। तो ने कहा ये एंग्विश अजियत, ये जो दुख और तकलीफ है वो मनुष्यात की वजह से, और इसके वो बाखबर इसे होते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी वो मनुष्यात के आदि बन जाते हैं। पैराग्राफ नंबर टू, ड्रग एडिक्शन मनुष्यात की लत इज कॉज्ड, वजह है, सबब है, बाय द एनवायरमेंटल माहौलियाती फैक्टर्स अवामल से, हमारे माहौल के अंदर, जिस तरह ये क्लास है, क्लास का माहौल है, अगर अच्छा होगा तो यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट पैदा होंगे, अगर माहौल अच्छा नहीं है तो यहाँ पे अच्छे तालिबे इल्म पैदा नहीं होंगे। तो ये माहौल अगर अच्छा है, इन्वायरमेंट आपका अच्छा है, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास लोगों की अच्छे होने की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो उन्होंने कहा कि ये माहौलियाती अवामल है, कुछ ऐसे अमल है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से ये इस चीज़ पर असरअंदाज हो जाते हैं। तो मनुष्यात के आदि जो है वो माहौलियाती, इन्वायरमेंटल माहौलियाती फैक्टर अवामल की वजह से। अ फ्यू इम्पॉर्टेंट, चंद अहम इन्वायरमेंटल माहौलियाती फैक्टर्स अवामल डैट मेक आर, जो वजह बन सकते हैं। उन्होंने कहा जी माहौलियाती जो अवामल तो है, लेकिन वो है कौन से, अभी बताया, वजह बन सकते हैं ड्रग एडिक्शन मनुष्यात की लत की, और बैड पीर, वो बुरे दोस्त इन्फ्लुएंस असर है, बुरे दोस्तों का असर है, क्योंकि ये भी माहौल में पाए जाते हैं। अगर आपके दोस्त बुरे होंगे तो फिर भी आप मनुष्यात के आदि बन सकते हैं। एंड ट्रबल्ड, और प्रॉब्लम मसाइल है, डोमेस्टिक बैकग्राउंड, डोमेस्टिक घरेलू बैकग्राउंड पसे मंजर, जिनका घरों का जो पसे मंजर गाल का जो माहौल है वो अगर अच्छा नहीं है, तो उस वजह से लोग क्या हो सकते हैं, मनुष्यात के आदि हो सकते हैं, बुरे दोस्तों की वजह से, बुरी सोबत की वजह से, और घर में अच्छा माहौल ना होने की वजह से, मोस्टली लड़ाई झगड़े मसाइल प्रॉब्लम, तो वो लोग इस चीज की तरफ मायल हो जाते हैं। व्हेन जब यंग पीपल नौजवान लोग रिमेन रहते हैं इन बैड कंपनी बुरी सोबत में, जब लोग बुरी सोबत में रहते हैं, एंड डू एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात करते हैं, इन द नेम ऑफ एडवेंचर, मुहम के नाम से, जिस तरह वो कहते हैं देखे मैं अभी सिगरेट का काश लगाऊंगा, देखे कैसे ये धुआं जनाब मैं सर्कल बनाऊंगा, तो वो अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं,
वो तजर्बे कर रहे हैं मुहम, जैसे कोई चोटी जो है ना उन्होंने सर करनी हो, लेकिन उसकी वजह से वो उस चीज के आदि होना शुरू हो जाते हैं। नौजवान लोग जो है वो बैड कंपनी बुरी सोबत एंड डू एक्सपेरिमेंट्स और तजर्बात करते हैं इन द नेम नाम से ऑफ एडवेंचर मुहम के। दे मे फॉल, कहते वो फॉल अप्रे शिकार हो जाते हैं, फॉल गिर जाते हैं अप्रे उस बीमारी में, उस चीज में वो मुबतला हो जाते हैं, फॉल अप्रे शिकार हो जाते हैं। दे मे फॉल अप्रे, हो सकता है कहता है वो शायद उसमें उसका शिकार हो जाए। टू एडिक्शन है आदत का, उस लत का, उस मंशियात का, वो उसके बाद में आस्ता आस्ता आदि हो जाए। द पीपल, लोग हु जो आर डिससेटिस्फाइड, ना खुश है। एक वो लोग मंशियात के आदि होते हैं जो ना खुश है, जाहिर है जो ना खुश है, जो वैसे ही बड़ा खुश है तो उसे जनाब मंशियात लेने की क्या जरूरत है, उसे नींद की गोलियां खाने की क्या जरूरत है। अगर वो बंदा खुशहाल है, खुशहाल बंदे को तो नींद ही बड़ी आती है, तो जो बंदा नाखुश है, बीमार है, किसी परेशानी में मुबतला है, तो अक्सर वही लोग नींद की गोलियां और इंजेक्शन लेते हैं। पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड, जो लोग नाखुश हैं एंड डिसकंटेंटेड और गैर मुतमिन है, एक वो खुश नहीं है, दूसरे वो मुतमिन नहीं है अपनी जिंदगियों से, लोगों से, किसी ना किसी चीज से वो मुतमिन नहीं है। With their lives, अपनी जिंदगियों से, may also resort to drug addiction, कहते हैं वो तफरी के लिए ड्रग एडिक्शन मनुष्यात के आती हो जाते हैं, इन ऑर्डर टू सीक, तलाश में, एन एस्केप, और बचने की फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से बचने की तलाश में आदि हो जाते हैं। ऑफ लाइफ, जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं। बच्चे अगर दो चार बढ़ गए हैं तो इसका मतलब आप लोग परेशान होकर नशे के लिए आदत डालेंगे, ताकि आप अपना तो बेड़ा गर्क कर लें, साथ पूरे खानदान का बेड़ा गर्क कर लें। आप और मेहनत कर लें, थोड़ी सी और एफर्ट कर लें, जिससे आप उन बीवी बच्चों के जो मसाइल है वो दूर हो जाते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने से अल्लाह ताला और अर्निंग देना शुरू कर देता है। तो आप उन चीज़ों को ना देखें जो हालात आपके सामने, उनसे लड़ना सीखें बजाय कि उससे भाग। ये भागते हैं लोग, इस वजह से मंशियात के आदि होते। अगर ये भागे ना, लड़ना सीख लेते हैं, तो फिर इनको मंशियात की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन है इसके अंदर कि विच एनवायरनमेंट फैक्टर, कौन से माहौल के अवामल आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है फॉर ड्रग एडिक्शन, मंशियात की लत के। तो हमने अभी पढ़ा है, ये कुछ डोमेस्टिक थे, कुछ बुरे दोस्त, बुरी सोबतें थी, तो ये हमें मंशियात की तरफ ले जाती हैं। तो वो कौन से मामले हैं माहौल के अंदर, कहते हैं ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड, मंशियात की जो लत है वो सबब है, वजह है, बाय जेनेटिक, ये जीनियात, जेनेटिक अंदर कुछ ऐसे जो ना वो जिस्म के अंदर, उसको जेनेटिक कहा जाता है, जीनियात। तो ये जेनेटिक कुछ लोगों के अंदर, जिसके वालदेन पीछे से इस तरह की कैटेगरी के आ रहे हो, तो उनके बच्चों के अंदर भी ऐसी कंडीशन पाई जाती है, वो जेनेटिक है। इन्वायरमेंटल, जो माहौलियाती है, एंड डोमेस्टिक फैक्टर, और घरेलू जो अवामल है। तो हमारे जो माहौल के अंदर कौन कौन से अवामल हैं, केक जेनेटिक है, उसके बाद आप लोग बैड कंपनी लिख सकते हैं, बुरी सोबत भी है, बैड पीर इन्फ्लुएंस, बुरे दोस्तों का असर भी है। इसके अलावा आपके डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, ये घरों के जो मसाइल हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, ये नशे की तरफ और उसकी लत की तरफ ले जाती है। उम्मीद है समझ आई होगी।